हेलो एवरीवन, मेडिकल नॉलेज में आपका स्वागत है। तो हमारा आज का टॉपिक है लाइन फोकस प्रिंसिपल। लाइन फोकस प्रिंसिपल हमको शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन एक्चुअल फोकल स्पॉट साइज विद इफेक्टिव फोकल स्पॉट साइज। ये एक्चुअल फोकल स्पॉट क्या है और इफेक्टिव फोकल स्पॉट क्या है, इस पर ही हम आज बात करने वाले हैं। और इससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है और कैसे ये हमारी इमेज क्वालिटी को इन्हेंस करता है और क्या इसके एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, हम आज इस पर यही बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये जान लेते हैं कि ये फोकल स्पॉट होता क्या है। मान लीजिए कि हमारे पास में एक फिलामेंट है, ऐसे हमारे पास में यहाँ पे एक फिलामेंट है। इस फिलामेंट के ऊपर पे हमारा लगा होता है क्या, फोकसिंग कप। आपको पता है फोकसिंग कप किस लिए यूज होता है? फोकसिंग कप को हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि फोकसिंग कप हमारा इलेक्ट्रॉन को फोकस करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को फोकस करता है। कहाँ पे फोकस करता है? हमारे टारगेट पे। किस पे करता है? हमारे टारगेट पे। तो यहाँ से जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ठीक है, यहाँ से जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो हमारे क्या होंगे, फोकस होंगे बाय फोकसिंग कप। कहाँ पे? हमारे टारगेट पे। और जहाँ पे हमारे पास में ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, हमारा जो एनोड है वो एनोड हमारा इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, उसी पार्ट को हम कहते हैं फोकल स्पॉट। क्या कहते हैं? फोकल स्पॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकल स्पॉट। अब ये जो फोकल स्पॉट है, इसे टारगेट है हमारा। क्या है? टारगेट है हमारा। अब इसके अंदर पे हम यहाँ पे ये बात करने वाले हैं कि कौन सा हमारा एक्चुअल फोकल स्पॉट होगा और कौन सा हमारा इफेक्टिव फोकल स्पॉट होगा, और एक्चुअल फोकल स्पॉट से क्या एडवांटेजेस है एंड हमारा इफेक्टिव फोकल स्पॉट से क्या एडवांटेजेस है, और लाइन फोकस प्रिंसिपल क्या कहता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे यही देख लेते हैं। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू लाइन फोकस प्रिंसिपल, जब हम एनोड पे, किस पे? एनोड। एनोड यहां पे हमारे पास में क्या है? टारगेट। जब हम एनोड पे या एनोड टारगेट पे, ये कह लें, या तो एनोड पे या एनोड टारगेट पे, अगर हम 17 डिग्री टू 20 डिग्री एंगल यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? एंगल अगर हम यूज करते हैं तो हमें देखने को मिलता है एक्चुअल फोकल स्पॉट डिफरेंस देखने को मिलता है एक्चुअल फोकल स्पॉट पे और इफेक्टिव फोकल स्पॉट में। ठीक है, वो क्या है, आइए हम उसे डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास में क्या है? एक टारगेट है। क्या है? एक टारगेट है। ये जो टारगेट है, इस टारगेट को हम, ये सॉरी, पूरा एनोड हम यहां पे बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एक एनोड हमारे पास में है। ये एनोड पे मान लीजिए कि यहां पे हमने एक एंगल रखा है, और ये जो एंगल हमारा है, ये एंगल हमने 17 डिग्री टू 20 डिग्री का रखा है। कितना रखा है? 17 डिग्री टू 20 डिग्री का। वैसे कहने को ये एंगल हमारा ज्यादा हो, चलो मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूं। क्या कर देता हूं? इसको थोड़ा कम कर देता हूं। तो ये हमारा कुछ एक एंगल हो गया, और ये एंगल हमारा हो गया कितना, 17 टू 20 डिग्री एंगल हो गया। अब इसके अंदर पे क्या है कि हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन? ये इलेक्ट्रॉन हमारे आ रहे हैं फिलामेंट से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? फिलामेंट से आ रहे हैं। ये इंसिडेंट फोटोन इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि हमारे कहाँ से निकले हैं? फिलामेंट से निकले हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे पास में यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम कह सकते हैं एक्चुअल इलेक्ट्रॉन बीम। क्या कह सकते हैं? एक्चुअल इलेक्ट्रॉन बीम, या हम इसको कह सकते हैं बीम की थिकनेस भी हम इसको कह सकते हैं। उसके बाद में हम यहां पे बात करते हैं कि हमारे पास में जो फोकल स्पॉट होगा वो एक्चुअल फोकल स्पॉट क्या होगा। तो हमारे पास में ये होगा हमारा एक्चुअल फोकल स्पॉट। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक अगर हम इसको ऐसे करके काउंट कर ले, तो यहां से लेके यहां तक ये हमारा क्या है? एक्चुअल फोकल स्पॉट। क्या है? एक्चुअल फोकल स्पॉट। एक्चुअली मैं अभी इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन आपको करने वाला हूं कि कौन सी चीज से हमें क्या फायदा और कौन सी चीज क्या यहां पे है। अब हम यहां पे बात करते हैं कि हमारे पास में इफेक्टिव फोकल स्पॉट क्या है। अब यहां से मैं डायरेक्टली बात करता हूं कि हमारे पास में
ये है हमारी इफेक्टिव फोकल स्पॉट। ये क्या है? इफेक्टिव फोकल स्पॉट, इफेक्टिव फोकल स्पॉट। तो हमारा डायग्राम तैयार है। अब सबसे पहले आप यहां पे देखिएगा कि हमारे पास में जो ये एक्चुअल इलेक्ट्रॉन बीम हमारे पास में है या एक्चुअल फोकल स्पॉट हमारे पास में है, ये हमारे पास में कुछ ब्रॉड है। क्या है? ब्रॉड है। अब इसके सबसे पहले हम एक एडवांटेज जान लेते हैं। ब्रॉड एडवांटेज किसका? एक्चुअल इलेक्ट्रॉन बीम का और एक्चुअल फोकल स्पॉट का। अगर ये हमारे पास में ब्रॉड है तो इसका एडवांटेज ये होगा कि ये हमारे पास में जो ये टारगेट हमारे पास में है, इसमें टारगेट में ज़्यादा टारगेट के एरिया पे इंट्रैक्शन होगा, क्योंकि जितनी ब्रॉड बीम होगी उतना ज़्यादा एरिया पे इंट्रैक्शन होगा, और जितना ज़्यादा इंट्रैक्शन होगा उतना ही यहाँ पे हीट का क्या होगा? डिसिपेशन होगा। क्या होगा? हीट का डिसिपेशन होगा, क्योंकि अगर कम एरिया पे हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स जाके सारे इंट्रैक्ट एक साथ करते हैं तो हमारे पास में यहाँ पे भी क्या होगा कि एक ही जगह पे जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा लगेंगे तो हीट भी एक जगह पे ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, और जब हीट एक जगह पे ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो वहाँ पे क्या होने के चांसेस होंगे? हमारे इसके अंदर पे जो हमारा एनोड है, ये एनोड खराब होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है ना? क्योंकि एक ही जगह पे ज़्यादा हीट होगी तो एक ही जगह पे ज़्यादा मेल्ट होने के चांसेस होंगे, वो हमारा ख़राब होने के चांसेस होंगे किसके? एनोड के। लेकिन ज़्यादा एरिया पे लगेगा तो ऑब्वियसली हमारी हीट जब ज़्यादा एरिया पे लगेगी तो ज़्यादा डिसिपेट होने के चांसेस, ज़्यादा हीट डिसिपेट होगी तो क्या होंगे, इसकी जो लाइफ होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इसकी लाइफ इंक्रीज़ हो जाएगी। तो एडवांटेज फर्स्ट ये है। दूसरा एडवांटेज ये है कि जब हम इसके अंदर पे 17-20 डिग्री एंगल यूज़ करते हैं, क्या करते हैं? 17-20 डिग्री एंगल यूज करते हैं, तो जो हमारी एक्चुअल बीम है, क्या है? जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉन बीम हमारे पास में है वो हमारी क्या हो जाती है? इफेक्टिव बीम में थिन हो जाती है। क्या हो जाती है? इफेक्टिव बीम में थिन हो जाती है। अब ये जब बीम हमारे पास में थिन हो गई तो इससे हमें क्या फायदा होगा? अगर थिन बीम, मान लीजिए ये हमारे पास में कैसी है? थिन है। क्या है? थिन है। इसका मैकेनिज्म है ये कि अगर हम इसके पास में अगर इससे बड़ा कोई एंगल हम रखते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई हमारे पास में हो गया 35 डिग्री या 45 डिग्री एंगल हमारे पास में हो गया, तो हमारी जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉन बीम अगर ब्रॉड रहेगी तो इफेक्टिव फोकल स्पॉट वाली जो इफेक्टिव फोकल बीम जो हमारी होगी वो भी ब्रॉड ही होगी। अगर ये हमारे पास में थिन होगी तो ये भी हमारे पास में थिन होगी। ठीक है? तो हमें कोई फायदा उसका नहीं होगा। अगर ये भी हमने थिन रख ली तो हमारा इसकी लाइफ डिक्रीज हो जाएगी। अगर ये हमने ब्रॉड रख ली तो यहाँ पे भी हमें ब्रॉड बीम मिलेगी, मतलब क्या बोलेगी, थिक बीम मिलेगी, बड़ी बीम मिलेगी, जिसकी वजह से हमारी इमेज क्वालिटी हमें अच्छी नहीं मिलेगी। तो इस वजह से हमने यहाँ पे यूज किया 17-20 डिग्री। अकॉर्डिंग टू लाइन फोकस प्रिंसिपल ये कहता है कि आपका जो एनोड है, एनोड में टारगेट में आप 17-20 डिग्री एंगल रखिएगा तो उसमें आपको देखने मिलेगा कि आपका जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉन बीम है, जो आपकी एक्चुअल इलेक्ट्रॉन बीम है वो आपकी कन्वर्ट हो जाएगी हमारी किस में? इफेक्टिव बीम, जो इफेक्टिव फोकल स्पॉट है, थिन में। ब्रॉड किस में कन्वर्ट हो जाएगी? थिन में। तो ये हमें यहां पे एक फायदा देखने को मिलता है। तो अगर हमारे पास में इफेक्टिव बीम अगर थिन होगी तो उससे हमारा क्या फायदा होगा कि ये हमारी इमेज क्वालिटी को, किसको? इमेज क्वालिटी को क्या कर देगी? इंक्रीज कर देगी। क्या कर देगी? इंक्रीज, क्योंकि आपको पता है कि जितनी बीम हमारे पास में छोटी होगी, जितनी थिन होगी उतनी ज़्यादा वो कम एरिया करेगी, और उसके पास में क्या होगी कि ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर। अगर ये फैल जाएगी तो ज़्यादा एरिया, मतलब एब्जॉर्प्शन ज़्यादा, स्कैटर ज़्यादा। अगर ये एक ही जगह पे ज़्यादा रहे तो हमारे पास में फ़ायदा क्या होगा कि इसके अंदर पे इसकी पेनिट्रेशन पावर अच्छी होगी और ये इमेज क्वालिटी भी हमारी अच्छी फॉर्म करेगी। तो इससे हमें ये फायदा होगा। अगर बड़ी ब्रॉड बीम ही हमारी यहाँ पे हमें मिल जाएगी तो हमारी इमेज क्वालिटी इनहेंस नहीं होगी। तो अगर हम यहाँ पे थिन बीम को यूज़ कर लेते हैं तो थिन बीम यूज़ करने से इसकी लाइफ डिक्रीज हो जाएगी। और यहाँ पे हम दोनों का फायदा ले रहे हैं कि इसकी वजह से, ब्रॉड एक्चुअल बीम होने की वजह से क्या हो रहा है, हीट का डिसिपेशन अच्छे से हो रहा है, जिससे हमारी टारगेट की या एनोड की जो लाइफ है वो इंक्रीज हो गई। उसके बाद में जो बाद में हमारे पास में बचा क्या, थिन बीम जो हमारे पास में इफेक्टिव फोकल साइज आया है, अगर ये हमारे पास में थिन होगी तो ये भी हमारा क्या करेगी,
हमारी इमेज क्वालिटी को इनहेंस कर देगी। क्या कर देगी? इनहेंस कर देगी। तो ये दो फायदे, दो एडवांटेजेस हमारे लाइन फोकस प्रिंसिपल के हैं कि हमारे अकॉर्डिंग टू लाइन फोकस प्रिंसिपल जब आप उसमें 17 टू 20 डिग्री एंगल यूज करते हैं तो एक्चुअल ब्रॉड एक्चुअल इलेक्ट्रॉन बीम आपकी थिन आपको मिलती है, जिसके फायदे ये है कि ट्यूब की लाइफ इंक्रीज हो जाती है और इमेज क्वालिटी भी इनहेंस हो जाती है। तो लाइन फोकस प्रिंसिपल में इतना ही, एंड थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।